टीजीटी साइंस का नेक्स्ट वीडियो से वीडियो नंबर 34, इसमें है लोविंग प्रोसेस। ये बनता है Ne2CO3 का Fe2O3 से रिएक्शन कराने पर Ne2CO3 प्लस Fe2O3 कट बनेगा टू एन ए Fe2O2 प्लस CO2, यानी कि सोडियम फेराइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर बनता है टू एन ए Fe2O2 यानी सोडियम फेराइड। सोडियम फेराइड को जल में मिलाने पर बनता है Fe2O3 प्लस टू एन ए OH। ऐसे ही नेक्स्ट है Ne2CO3 को जब वजह चूना से या रिएक्शन कराई जाती है Ne2CO3 प्लस CO का हाइड्रोजन बनता है टू एन ए OH प्लस CaCO3। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बुझा चूना से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसे दाहक पदार्थ कहते हैं। ये त्वचा पर फफोले डाल देता है और इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठंडे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्लोरीन की क्रिया कराने पर, यानी कि जो ठंडा होता है NaOH की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर रिएक्शन होगा टू NaOH प्लस Cl2 NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O बनेगा NaOCl यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। ऐसे ही Br2 से बनता है Br2 प्लस टू NaOH NaOBr प्लस NaBr प्लस H2O। ऐसे I2 प्लस टू NaOH NaOI प्लस NaI प्लस H2O। ये ठंडे से थी रिएक्शन, ठंडे और तरल सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसे ही गर्म तथा सांद्र विलयन से रिएक्शन कराने पर इसमें बनता है Cl2 प्लस सिक्स NaOH इक्वल टू NaClO3 प्लस फाइव NaCl प्लस थ्री H2O। ऐसे ही रिएक्शन है Br2 प्लस सिक्स NaOH इक्वल टू NaBrO3 प्लस फाइव NaBr प्लस थ्री H2O। Cl2 प्लस सिक्स NaOH इक्वल टू NaIO3 प्लस फाइव NaI प्लस थ्री H2O। आगे रिएक्शन है पीले फास्फोरस की क्रिया। पीला फास्फोरस होता है P4 प्लस थ्री NaOH प्लस थ्री H2O इक्वल टू PH3 प्लस थ्री NaH2PO2। PH3 यानी फास्फीन गैस प्राप्त होती है। पीले फास्फोरस की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जल की उपस्थिति में कराई जाती है तो फास्फीन गैस प्राप्त होती है। P4 प्लस थ्री NaOH प्लस थ्री H2O इक्वल टू PH3 यानी फास्फीन प्लस थ्री NaH2PO2। ऐसे ही है आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड AH2O3 की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम आर्सेनाइड बनता है। टू NaAsO2 प्लस H2 AH2O3 प्लस टू NaOH इक्वल टू टू NaAsO2 प्लस H2। नेक्स्ट है SP2O3 यानी एंटीमनी ट्राइऑक्साइड प्लस टू NaOH इक्वल टू टू NaSpO2 प्लस H2। एंटीमनी ट्राइऑक्साइड SP2O3 की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर बनेगा सोडियम एंटीमोनाइट यानी टू NaSpO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, अभिकर्मक के रूप में तथा फास्फीन गैस के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को सोडा एस भी कहते हैं। Na2CO3 को सोडा एस कहते हैं। Na2SO4 साल्ट केक कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहलाता है। 2NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। साल्वे विधि लाल बिलाक विधि से उत्तम विधि होती है। साल्वे विधि में Na2CO3 बहुत अधिक शुद्ध मात्रा में प्राप्त होता है। यह एक चक्रीय विधि है, यानी कि इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। निर्जल सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद अक्रिस्टलीय चूर्ण होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा एस कहलाता है। Na2CO3 इंटू टेन H2O उसको धावन सोडा कहते हैं। Na2CO3 इंटू H2O क्रिस्टल कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के तीन पार्ट हैं, तीन अलग अलग हमने बताए। Na2CO3 को सोडा एस कहेंगे। Na2CO3 इंटू टेन H2O जो होता है उसे धावन सोडा कहते हैं। Na2CO3 इंटू H2O होता है उसे क्रिस्टल कार्बोनेट कहते हैं। बुझा चूना जो होता है, बुझा चूना का जल में निलंबन दूधिया चूना कहलाता है। जल में रिएक्शन कराने से दूधिया चूना हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का लैटिन नाम नोट्रियम है।
नेट्रियम है।